हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लैब रिव्यूज़। सो आज की जो वीडियो है वो है इवेंट ऑन सी क्रीम के बारे में। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज जिस क्रीम का मैं रिव्यू देने वाली हूँ वो है इवेंट ऑन सी क्रीम, जिसमें कि है एल ग्लूटाथायोन और विटामिन सी क्रीम है, और ये स्किन डार्कनेस को ट्रीट करती है। और मेन चीज़ ये है कि ये मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, जबकि बहुत सी क्रीम्स होती हैं जो मेल नहीं यूज़ करते, ज़्यादातर फीमेल ही यूज़ करती हैं। सो स्टार्ट, इसका बेसिक, इसका जो इंट्रो है वो ये है कि ये फार्मा हेल्थ के नाम से एक कंपनी है जो कि कॉस्मेटिक क्रीम्स और ये चीज़ें बनाती है, तो ये उस ब्रांड की है, ठीक हो गया। और उसके अलावा इसकी प्राइस पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइस यहाँ पे मेंशनड है। एज यू ऑल कैन सी इसकी प्राइस है 1395 इसकी प्राइस है, और जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट से 4 साल बाद की होती है, मतलब कि अगर आप 2020 में ले रहे हो 2024 में वो एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पैकेजिंग क्या है, फिर मैं आपको उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये एक ऐसी बॉक्स है उसमें है, और इसके बाद इसके अंदर से ये निकल गई इसमें से क्रीम। सो ये एक ट्यूब है, ये प्लास्टिक की ट्यूब है विद दिस टाइप ऑफ कवर, ठीक हो गया। और मैंने ये यूज़ की है और ये बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होने वाली है, तभी मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ, यूज़ के बगैर मैं रिव्यू नहीं देती। सो तकरीबन ये ख़त्म होने वाली है, तो सर जल्दी से मैं आपके साथ इसका छोटा सा रिव्यू शेयर कर देती हूँ कि ये क्रीम एक्चुअल में है क्या। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने, मुझे कैसा फ़ील हुआ ये यूज़ करके, और उसके अलावा मैंने ये यूज़ की क्यों। असल में स्किन डार्कनेस के लिए नहीं, मैं बिल्कुल नहीं प्रेफर करती कि आप लोग वाइटनिंग क्रीम्स और ये चीज़ें यूज़ करें, ख़ासतौर पे जो गंदी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं तो वो बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसमें स्टीरॉइड्स होते हैं जो बाद में आपकी स्किन को बहुत थिन कर देते हैं और आपको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सो अगर आपने कोई क्रीम यूज़ करनी भी है तो आप ऐसी यूज़ करो जो आपको पता हो कि अच्छी चीज़ है, बट फिर भी मैं प्रेफर करूँगी कि वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, जो आपके अपना स्किन टोन, आपको उसमें ही कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि आपका स्किन टोन क्या है। सो लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैंने ये क्यों यूज़ की। मैंने सिर्फ इसलिए यूज़ की थी कि आपकी अक्सर होता है कि 2 शेड्स हो जाते हैं स्किन टोन के, जिससे कहीं से थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, और बाकी आपकी स्किन जो नेचुरल कलर होता है वो होता है। सिर्फ उसको ट्रीट करने के लिए मैंने ये यूज़ की थी, वरना वाइटनिंग शाइटनिंग से कोई नहीं होता। सो जिस तरह के लड़कियों के पास होता है कि अपर लिप्स के एरिया जो होता है और चिन एरिया होता है, अक्सर की लड़कियों का वो थोड़ा सा ना डार्क हो जाता है अपर लिप्स करा के, और वैसे भी और कुछ का होता है कि फोरहेड एरिया थोड़ा सा होता है। सो मेरा जो इशू था वो मेरे अपर लिप्स एरिया पे था, क्योंकि मुझे वहाँ पे काफ़ी देर पहले थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप हो गया था, जिस वजह से वहाँ पे वो ब्लैक सा रह गया। सो मैंने उसके लिए ये क्रीम यूज़ की थी। तो मैं ये क्रीम यूज़ कैसे करती थी, ये क्रीम मैं यूज़ करती थी, मैं रात को ये लगा के लेट जाती थी। और आपने इसको यूज़ कैसे करना है पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। इसको आपने पी साइज़ क्रीम लेनी है, पी साइज़ मतलब एक मटर के दाने जितनी आपने ये क्रीम लेनी है। ये देख लें, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर होल फेस, ये आपके पूरे मुंह के लिए काफ़ी है। उसके अलावा आपने गर्दन पे भी लगानी है। आपने करना क्या है मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये क्रीम है, आपने इसको अपने हाथ पाम पे अप्लाई करना है, और आपने इसको पूरा ऐसे रब करके आप अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। उसके अलावा आपने इसको नेक पे लगा लेना है, और थोड़ा बहुत कान के पास, और जो थोड़ी बहुत बचेगी उसको अपने हाथ पे ऐसे कर लेना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने, मैंने वो दिखा दिया कि आप लोगों ने इसको अप्लाई कैसे करना है। उसके अलावा सेकेंड थिंग ये है कि आप लोगों ने अप्लाई इसको किस टाइम करना है। अब ये क्रीम आप 2 टाइम्स अप्लाई कर सकते हो, आप मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हो और आप इवनिंग में भी कर सकते हो, मतलब कि सोने से पहले टाइप। तो अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई करते हो तो मैं आपको जो प्रेफर करूँगी वो ये प्रेफर करूँगी कि आप सन ब्लॉक लगा के अप्लाई करो, अगर आपने बाहर जाना है तो, ठीक हो गया। अगर आपने बाहर जाना है तो आप सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई करो, क्योंकि एक होता है कि आपके पास सन की रेज जा रही होती है। सो अगर आप कोई भी स्किन ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे होते हो तो वो कभी भी आप लोगों ने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लेके जाना होता। उसके बाद सेकेंडली कि अगर आप लोग इसको रात में यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैंने भी इसको रात में यूज़ किया है, क्योंकि रात में ये होता है कि आप लोग लगा लेते हो और उसके बाद आपने कोई काम वगैरह नहीं करना होता, ना आपके मुंह पे कोई डर्ट आती है, ना आप लोगों ने कुछ। और जो लेडीज़ किचन में जाती हैं खासतौर पर, उन्हें अगर चूल्हा वगैरह यूज़ करना होता है तो आग से भी ज़रा सा परहेज़ ही करना चाहिए। सो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग ये रात को यूज़ करो, एक तो ज़्यादा टाइम भी गुजर जाता है, और सुबह उठ के आप फेस वॉश कर लो।
अच्छा जी, अब आपने इसको यूज़ कितनी देर करना है? सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये बताऊंगी कि मैंने फर्स्ट वीक इसको रेगुलरली रात को यूज़ की है, मतलब कि 1 वीक मैंने इसको रेगुलरली रात को यूज़ किया सोने से पहले, और जितना मैंने आपको दिखाई है क्वांटिटी मैंने इतनी ही अप्लाई की है। सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने इसको वीक में 3 टाइम्स यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब कि एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना शुरू कर दिया, एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर उससे अगले वीक ऐसे हुआ कि मैंने 2 दिन छोड़ के एक दफ़ा कर लिया, मतलब वीक में 2 दफ़ा अप्लाई हो जाता था। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको इंस्टेंट नहीं मिलेंगे, एट लीस्ट 2 वीक्स बाद आपको थोड़े से इसके रिजल्ट शो होना शुरू होंगे। बट ये अभी तक तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कोई हुआ कि ये छोड़ने के बाद आपका मुंह गंदा सा हो जाता है, कि आपके ब्लैक हेयर्स आने लग जाते हैं, उसके अलावा आपका मुंह काला काला हो जाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है इसके साथ। इसके साथ आपका स्किन जिस तरह ये करेगी वैसी ही रहेगी। वो अलग बात है अगर आपकी डाइट सही नहीं जा रही है और आप पानी कम पी रहे हो, उसकी वजह से आपके मुँह पर निशान वगैरह आ जाए। उसके बाद जो लास्ट थिंग मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि ये आपने या आपके एक्नी जो स्कार्स होते हैं, उसके अलावा जो आपके पिंपल के स्कार्स होते हैं, ये उसको ट्रीट नहीं करती। ये एक्नी क्रीम नहीं है, ये सिर्फ आपकी 2 टोन स्किन को ट्रीट करेगी या थोड़ी बहुत आपको ग्लो दे देगी बस, ठीक है। तो अगर कोई लोग चाह रहा है कि वो एक्नी के लिए ले तो प्लीज़ ये मत इसके लिए लें, क्योंकि एक्नी को ये ट्रीट नहीं करती, बस हल्का सा उसका जो स्कार्स उसको लाइट कर देती है, टोन लाइट कर देती है, वरना कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। सो प्लीज़ एक्नी के स्कार्स के लिए ये मत लें आप लोग। दूसरी बात, मेरी जैसे कि ऑयली स्किन है, सो ऑयली स्किन वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है ये, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को ज़्यादातर क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें सूट नहीं करती, लोशन वगैरह सूट नहीं करता। गर्मियों में तो वो लोग लोशन लगाते ही नहीं है क्योंकि स्किन इतनी ऑयली होती है, सर्दियों में थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। सो ऑयली स्किन वालों के लिए इस तरह से ये अच्छा है कि जब आप ये क्रीम अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी। अगर आप सर्दियों में भी ये अप्लाई कर रहे हो और गर्मियों में भी कर रहे हो, तो होता था कि अप्लाई करने के बाद कुछ और क्रीम्स, अगर आप नॉर्मल लोशन यूज़ कर रहे हो कोई भी, तो वो अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन ऑयली हो जाती थी। बट ये है कि मैंने इसको गर्मियों में यूज़ किया, उसके बाद सर्दियों में भी मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया, तो इस तरह नहीं हुआ कि आपकी स्किन को मतलब ये अपना ऑयल नहीं छोड़ती, आपकी स्किन का ही हल्का फुल्का जो ऑयल होता है सिर्फ वही होता है। सो आप लोग आराम से ये यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी स्किन बहुत ऑयली, गंदी सी, थिंदी सी, चिपचिपी सी हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने अब इसको क्या करना है, आपने इसको 1 मंथ यूज़ करना है बस स्टार्टिंग में। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो 2 मंथ्स यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि जिस तरह मेरा जो ब्लैक एरिया था या 2 टोन्ड एरिया था वो इतना ज़्यादा नहीं था, 2 टोन्ड के बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, तो मैंने इसको 1 मंथ यूज़ किए, जिसमें मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से मैंने ये यूज़ किया। सो अगर आपको लगता है कि आपका एरिया ज़्यादा है और आपको इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप इसको 2 मंथ्स या 1.5 मंथ यूज़ कर लो, बट 2 मंथ से ज़्यादा आपने इसको लगातार यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने इसको 1 मंथ का गैप दे दें, 2 मंथ्स का गैप दे दें, फिर थोड़ा बहुत आप यूज़ कर लें। कभी भी इस तरह की क्रीम्स लगातार यूज़ नहीं करते, एक लिमिट होती है कि आपने वो यूज़ करनी होती है, वरना वो आपकी स्किन को डैमेज करने लग जाएगी और आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाएगी कि वो नॉर्मल सा मेकअप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सो इसलिए आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। और लास्ट थिंग ये कि अगर आपने ये क्रीम यूज़ करनी है, तो आपने रिव्यूज़ तो आप लोग देखते हो कि आपने ये रिव्यू देखा कि ये ऐसी लगी है, बट हर बंदे की स्किन टाइप, उसकी बॉडी अलग होती है। सो आप लोगों ने सबसे पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना है, बेशक आप अपने हाथ पे पैच टेस्ट कर लें, बेशक आप अपने फेस के थोड़े एरिया पे, वैसे मैं प्रेफर करूँगी आप हाथ पे पैच टेस्ट कर लें। अगर वो आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं दिखाती है और आप कंफर्टेबल हो उसके साथ, तो फिर आप वो यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि ऐसे ही रिव्यू देकर आप मुँह पर अप्लाई कर लो और आपको एलर्जिक कोई रिएक्शन हो जाए, तो फिर दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत बात होगी, ठीक है। सो कंक्लूजन ये निकलते हैं कि ओवरऑल ये क्रीम अच्छी है। अगर मैं इसको रेट करूँ तो मैं इसको 9.5 out of 10 रेट करूँगी, और 0.5 इसे इस वजह से नहीं मैं दे रही हूँ, वो भी रीज़न बता देती हूँ कि ये एक्नी स्कार्स वगैरह कम नहीं करता। बट इस क्रीम ने कभी ये कहा भी नहीं है कि ये एक्नी स्कार्स को कम करेगा, ये सिर्फ वाइटनिंग वगैरह के लिए होता है। सो 9.5 out of 10 इज़ गुड, तो मैं इसको इतने दूँगी। और कंक्लूजन इसका एंड पे ये बनता है कि ऑयली स्किन वाले ये यूज़ कर सकते हैं और एक्नी वाले नहीं करें यूज़, अगर वो स्कार्स को रिमूव करना चाहते हैं। जिनकी 2 टोन स्किन टोन है या अपर एरिया या कोई और एरिया ब्लैक है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने थोड़ी सी अमाउंट में यूज़ करना होता है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को करना है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।